नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के कंप्यूटर लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं शायान। आज जो हम ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसमें हम बताएंगे किस तरह डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज किया जाता है, किस तरह थीम चेंज की जाती है और किस तरह स्क्रीन सेवर लगाया जाता है। पहले मैं आपको बताता चलूँ की ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड, थीम और स्क्रीन सेवर होता क्या है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड जैसे कि आपका मोबाइल का वॉलपेपर होता है, इसी तरीके से कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है उसका भी एक वॉलपेपर होता है। वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। थीम क्या होती है कि थीम पूरे कंप्यूटर का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो पूरा आप एटमॉस्फेयर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से स्क्रीन सेवर क्या होता है कि स्क्रीन सेवर आप कुछ देर तक अगर कंप्यूटर यूज नहीं करते तो आपके स्क्रीन को सेव करने के लिए एक स्क्रीन सेवर आ जाता है जिससे आपकी बैटरी सेव होती है। वो कैसे चेंज करते हैं, तो आइए हम चलते हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में हमें अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में ये सारी ऑप्शंस मिलेंगे। तो स्टार्ट मेन्यू में जाके हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं। मेन्यू सर्च बॉक्स एडिट टाइप टेक्स्ट एंड एडिट फील्ड। सर्च बॉक्स में जाके मैं लिखूंगा कंट्रोल सी कैलकुलेट ओ कमांड कनेक्ट टू अ नेटवर्क आर कंटी आर ओ एल कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में एंटर प्रेस करूंगा। एंटर लीविंग मेन्यूज कंट्रोल पैनल। टैप टैप प्रेस करके अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन लिंक में आऊंगा। Tab, add tab, sit tab, review tab, back tab, find tab, network tab, view next tab, choose tab, hardware and sound tab, view devices and tab, add a tab, programs tab, uninstall a pro tab, user accounts and family tab, add or remove user accounts tab, set up parental hint tab, appearance and personalization link. इस पे मैं enter press करूँगा। Enter, control panel home. यहाँ पे tab press करूँगा तो change the theme link आ रहा होगा। Tab, change the theme link. इस पे मैं enter press करूँगा। Enter, desktop background link, theme gallery list box, unsaved theme, 1-1. ये अनसेव थीम 1 of 1 बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे अप डाउन एरो या लेफ्ट राइट एरो करूंगा। विंडोज 7 आ गई। ये सारे थीम्स के नाम बता रहे हैं। आर्किटेक्चर कैरेक्टर्स हाई कॉन्ट्रास्ट नंबर हाई कॉन्ट्रास्ट नंबर विंडोज क्लासिक विंडोज 7 basic. मैं जिस पे भी एंटर प्रेस करूंगा तो ये थीम अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से मैं बैक स्पेस कर दूं और चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आता हूँ। Appearance and personalization control panel. Tab press करूँगा, यहाँ पे change desktop background आ रहा होगा। Tab change the theme link. Tab change desktop background link. इस पे मैं enter press करता हूँ। Enter list view 1 of 33. To move the items use the arrow keys to edit the selected. List view 1 of 33. ये सारे वो backgrounds बता रहा है कि जो मैं apply कर सकता हूँ। List खुली हुई है, मैं up and down arrow से कोई भी background पे enter press करूँगा तो वो apply हो जाएगा। Tab more dot 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 link. Shift tab list view 1 of 33. To move. ये मूव कर रहा है लेकिन नाम नहीं बता रहा जॉस। अब मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ। टैब मोर डॉट 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 लिंक टैब सेव चेंजेस बटन टू एक्टिवेट। तो वहाँ पे अगर पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो भी मेरा डेस्कटॉप अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे मैं सेव चेंजेस लिंक पे एंटर प्रेस करूंगा तो भी मेरा डेस्कटॉप अप्लाई हो जाएगा। टैब कैंसिल बटन टू एक्ट टैब टूल बार डेस्कटॉप टैब सर्च बॉक्स एडिट टाइप इन टैब पिक्चर लोकेशन कॉम्बो बॉक्स सॉलिड कलर्स 4 of 4। अच्छा, पिक्चर लोकेशन कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है कि छोटा सा एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रहा है मुझे 1 of 4। तो मैं चेक करता हूँ एक एक करके कि कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है। ये मुझे सारे जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड की कैटेगरीज बता रहा है कि किस किस कैटेगरी के आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है विंडोज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। पिक्चर्स लाइब्रेरी, पिक्चर्स लाइब्रेरी, मुख्तलिफ पिक्चर्स आ रही है इसमें। टॉप रेटेड फोटोज, टॉप रेटेड फोटोज, जो कंप्यूटर की तरफ से हमें टॉप रेटेड फोटोज मिली हुई है वो हम अप्लाई करवा सकते हैं। सॉलिड कलर्स, और सॉलिड कलर्स मींस इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लेन बैकग्राउंड आ रहे हैं, जो कलर्स व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, इस तरह के। तो मैं इसमें से एक कोई अप्लाई करके देखता हूँ। टैब प्रेस करता हूँ, ये हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट व्यू आ रहा होगा, तो जब लिस्ट व्यू बोलेगा तो उसमें से हम कोई से भी एक कलर सेलेक्ट कर सकेंगे। मैंने होम प्रेस किया तो मैं सबसे पहले वाले पे आ जाऊंगा। इस पे मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा डेस्कटॉप अप्लाई हो जाएगा। Enter, appearance and personalization, control panel home. ये इसने बैकग्राउंड अप्लाई करवा दिया है। अब मैं जैसे ही
टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे चेंज स्क्रीन सेवर लिंक आ रहा होगा। टैब चेंज द थीम लिंक, टैब टैब चेंज साउंड इफेक्ट्स लिंक, टैब चेंज स्क्रीन सेवर लिंक। इस पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डायलॉग, स्क्रीन सेवर पेज, स्क्रीन सेवर कॉम्बो बॉक्स, लेफ्ट पेरेंट नन राइट पेरेंट 1 ऑफ 7 द चेंज द सिलेक्शन इज। ये लेफ्ट पेरेंट नन राइट पेरेंट 1 ऑफ 7 बोल रहा है, मींस के टोटल 7 ऐसे स्क्रीन सेवर है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नन का मतलब अगर स्क्रीन सेवर मुझे रिमूव करना होगा तो मैं नन पे आके टैप टैप करके अप्लाई कर दूंगा, तो मेरा जो स्क्रीन सेवर अप्लाई हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ और कौन कौन से स्क्रीन सेवर हैं। डाउन एरो करूंगा, 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लैंक, ब्लैंक कोई स्क्रीन सेवर नहीं होगा, सिर्फ एक स्क्रीन ब्लैंक शो कर रहा होगा वो स्क्रीन सेवर आप अप्लाई कर सकते हैं। बबल्स, बबल्स छोटे छोटे बबल्स बने हुए आ जाएंगे आपके स्क्रीन पे, वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। मिस्टिफाई, मिस्टिफाई के नाम से एक स्क्रीन सेवर है वो अप्लाई कर सकते हैं। फोटोज, मुख्तलिफ किस्म की फोटोज आपके स्क्रीन सेवर पे आ सकती हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आप। रिबन, रिबन मुख्तलिफ छोटे छोटे रिबन बने हुए आ रहे होंगे स्क्रीन पे, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं वापस टॉप पे जाऊंगा और 3D टेक्स्ट एक इसमें स्क्रीन सेवर है, सिर्फ इसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं स्क्रीन सेवर में, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस होते हैं। होम, लेफ्ट पैनल, 3D टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट जाके मैंने टैप प्रेस किया, टैप स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डॉट 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 बटन, स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डॉट 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 आ रहा है, इसमें मैं स्पेस बार दबाऊंगा, स्पेस 3D टेक्स्ट सेटिंग्स डायलॉग, टैप कैंसिल बटन, टैप डिस्प्ले सेटिंग्स बटन, डिस्प्ले सेटिंग्स टैप प्रेस करने से आया, इसको हम इग्नोर करते हैं। टैप टेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट कोलन रेडियो बटन चेक, टेक्स्ट कस्टम टेक्स्ट रेडियो बटन चेक, इसको हम इग्नोर करते हैं। टैप टेक्स्ट एडिट विंडोज 7 टाइप ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट एडिट अगर ये यहाँ पे एडिट मैं लिख सकता हूँ, मीन्स कि अगर ये 3D टेक्स्ट है मैं अपने नाम का कोई स्क्रीन सेवर बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे विंडोज 7 जो लिखा हुआ है मैं इसको बैक स्पेस से इरेज करूंगा। 7 मैन, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ शायान, SHAYAN। तो अब ये मेरे नाम का स्क्रीन सेवर बनने जा रहा है, मैं टैप प्रेस करूंगा कि इस स्क्रीन सेवर के साथ हम और क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। शायन, टैप, टेक्स्ट, चूज फॉन्ट बटन टू एक्टिवेट, प्रेस स्पेस, इसका मैं फॉन्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किस स्टाइल में ये शायन लिखा जाए। टैप रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन लेफ्ट राइट स्लाइडर, इसको हम इग्नोर करते हैं। टैप साइज, साइज लेफ्ट राइट स्लाइडर 1, फॉन्ट का साइज हम कितना रखना चाह रहे हैं, इस वक्त 100% है मतलब फुल है, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। टैप प्रेस करते हैं। टैप मोशन रोटेशन टाइप कोलन कॉम्बो बॉक्स स्पिन 2 of 5 द चेंज द मोशन रोटेशन कॉम्बो बॉक्स, मीन्स कि आपका जो स्क्रीन सेवर है किस स्टाइल से वो रोटेट करे। इसमें 5 ऑप्शन है, नन बिल्कुल भी रोटेट ना करे, बस स्ट्रेट खड़ा रहे, स्पिन स्पिन होता रहे, गोल गोल घूमता रहे, सीसॉ की तरह घूमता रहे, बॉबल टंबल टंबल, ये 3-4 ऑप्शन है, हम जिस पे भी सिलेक्ट करेंगे तो उस तरीके से हमारा स्क्रीन सेवर मूव करेगा, रोटेट करेगा। टैप रोटेशन स्पीड, रोटेशन स्पीड लेफ्ट राइट स्लाइडर 47 टू इंक्रीज, टैप प्रेस किया तो वो रोटेशन स्पीड का बोल रहे हैं। अब हमने ये तो बता दिया कि किस तरह रोटेट करे, अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि किस स्पीड से रोटेट करे। टैप सरफेस स्टाइल रिफ्लेक्शन रेडियो, अब यहाँ पे और हमारे इससे कोई सेटिंग काम की नहीं है, टैप टैप प्रेस करके ओके कर देंगे। टैप सरफेस स्टाइल, टैप सरफेस स्टाइल, टैप ओके बटन टू एक्टिवेट, प्रेस टैप कैंसिल बटन, टैप डिस्प्ले सेटिंग टू एक्टिवेट, टैप शिफ्ट, टैप ओके बटन टू एक्टिवेट, ओके किया, स्क्रीन सेवर की सेटिंग कर ली हमने, अब हम स्क्रीन सेवर को अप्लाई करवाएंगे। टैप प्रेस करेंगे, टैप स्क्रीन सेवर सेटिंग्स डॉट डॉट डॉट, टैप स्क्रीन सेवर प्रीव्यू बटन, स्क्रीन सेवर प्रीव्यू बटन पे अगर हम स्पेस बार दबाते हैं तो हमें वो छोटा सा व्यू देगा कि हमारा स्क्रीन सेवर अप्लाई होने के बाद कैसा शो होगा। टैप स्क्रीन सेवर वेट कॉलन एडिट स्पिन बॉक्स 1 द सेट ऑफ स्क्रीन सेवर वेट कॉलन कॉम्बो बॉक्स 1, ये हमें वो फिगर बता रहा है कि आपका स्क्रीन सेवर कितने देर के बाद अप्लाई हो, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मिनट तक कंप्यूटर यूज ना किया तो हमारा स्क्रीन सेवर 1 मिनट के बाद अप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग अप डाउन एरो से बढ़ा भी सकते हैं। 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1 मिनिमम ये 1 पे रहता है। टैप प्रेस करेंगे, स्क्रीन सेवर ऑन रेज, टैप पावर मैनेजमेंट चेंज, टैप ओके बटन टू एक्टिवेट, प्रेस ओके बटन आ गया, इसके बाद अप्लाई बटन, हम अप्लाई बटन पे आ गया कि स्पेस बार करेंगे, टैप कैंसिल बटन, टैप अप्लाई बटन टू एक्टिवेट, प्रेस स्पेस बार, यस स्पेस बार दबा दिया, उसके बाद शिफ्ट टैप कर करके ओके कर देंगे, शिफ्ट टैप ओके बटन टू एक्टिवेट, प्रेस स्पेस, स्पेस अपीयरेंस एंड पर्सनल, तो जैसे ही हमने ओके कर दिया उसके 1 मिनट के बाद, अब जब तक हम लोग अपना पीसी यूज नहीं करेंगे 1 मिनट तक, तो खुद ब खुद स्क्रीन सेवर अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत रहनुमाई हासिल हुई होगी, आइंदा फिर किसी ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए
कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।